अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी निशा औरंगजेब, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। एवरीवन हु इज़ वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। हाँ जी, तो आज मैंने और मेरी छोटी बहन ने पूरा दिन एक साथ स्पेंड करना था, घूमना फिरना था, और हम दोनों को इतना मज़ा आया। आज हमने इतना मज़ा किया। सो स्टार्टिंग विद द क्यूट हैंडशेक, हम लोगों के घर के पास एक पोर्ट है, हमने सबसे पहले वहाँ पर जाना था। और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हुए थे, बस आगे थोड़ा सा चल के जाना था। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा आगे स्टॉप था, वहाँ पर हम उतरे और वहाँ से हम चल रहे थे। तो रास्ते में मुझे सर्कस नज़र आई, और यहाँ पर देख के मुझे अपनी कुछ दोस्तें याद आ गई थी, अपनी कुछ फ्रेंड्स याद आ गई थी। और वो देख रही हैं, आई नो वो देख रही, उन्हें पता है उनके बारे में बात हो रही है। और आगे ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ था, एक फेस था और उसने हैट पहनी हुई थी। यार ये बहुत बड़ा था स्टैचू। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हुए थे, और इतना प्यारा व्यू था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और शिप्स भी काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी, वरना हमेशा नहीं खड़ी होती, कभी कभी खड़ी होती हैं। और वहाँ नज़दीक ना ये एक एरिया था जहाँ पे लोग स्केटिंग भी कर रहे थे, और काफ़ी चीज़ों की प्रैक्टिस वगैरह लगे हुए थे करने। स्केटिंग चला कर रहे थे, कुछ स्कूटी चला रहे थे, कुछ स्केटबोर्ड चला रहे थे। और यहाँ मैं और मेरी बहन बॉल के साथ खेलने शुरू हो गए थे। और फिज़ा कह रही थी कि मैं ज़्यादा अच्छा खेल रही हूँ, और मैं कहती थी कि नहीं मैं ज़्यादा अच्छा खेल रही हूँ। है हमारे पास कोई और था नहीं जो जज करे, तो आप सारे कमेंट्स में बताएं कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। खैर उसके बाद हम लोग शूज़ वगैरह उतार के बैठ गए थे उधर ही पानी में पाँव रख के, क्योंकि ठंडा पानी भी था और हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी थी वो खेल खेल के बॉल के साथ। फिर हम लोग इधर आके बैठ गए, और मतलब काफ़ी देर हम बैठे रहे, हमने काफ़ी बातें की, एक दूसरे को जोक सुनाए। फिर फिज़ा को याद आया कि यहाँ नज़दीक एक पार्क है, वो मम्मा के साथ आई थी। खैर मैं नहीं आई हुई थी इधर, लेकिन ये काफ़ी क्यूट पार्क था, मतलब इतने कलरफुल तरीके से, कलरफुल स्टिक्स वगैरह लगा कर उन्होंने रेडी किया था इसको। खैर मैंने नहीं ये देखा हुआ था पहले, बट दिस वॉज सो क्यूट। यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे पहले से खेल भी रहे थे, और फिर यहाँ पे फिज़ा ने काफ़ी देर खेला, काफ़ी देर खेलती रही है। इतनी बड़ी हो गई मगर फिर भी उसको छोटे बच्चों वाले झूलों पे खेलने का बड़ा शौक है। और वहाँ उसी ने उसके नज़दीक ही वो खेल रही थी, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने बोला मैं इधर जाती हूँ। तो ये इतना प्यारा एरिया था, एक पाथवे बना हुआ था, और ये इतना लंबा पाथवे था, और सारा का सारा मतलब सारा एक जैसा था, सारी एक जैसी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, मतलब थोड़ी सी भी चेंज नहीं था। हर जगह पे एक सर्कल सा बनाया हुआ था उन्होंने, ये ग्रीन कलर की बुशेस से, और दरमियान में ना एक ट्री लगाया हुआ था, और बीच में बेंचेस भी लगे हुए थे। और फिर वहाँ से हम लोगों ने आगे जाना था, उस वो जगह बहुत प्यारी है और हमें बहुत पसंद है, तो वहाँ पे हमने जाना था। हमने बोला वहाँ से भी होके आते हैं, तो अब यहाँ से हम लोग थोड़े से आगे जा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी जगह थोड़ी आगे थी, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। और वो एरिया मुझे इतना बहुत पीसफुल होता है, कभी कभी यहाँ पे बंदे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं थे, हमने शुक्र किया नहीं थे, क्योंकि बंदे होते हैं ना फिर शोर ज़्यादा होता है तो मज़ा भी नहीं आता। खैर ये वाला एरिया बहुत प्यारा लगता है हमें, उधर हम लोग भागते भी हैं, खेलते भी हैं, छुपन छुपाई भी खेलते हैं, बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ पे। और ये जो ना मतलब ऐसे था जैसे बिल्कुल मूवीज़ वाला एरिया लग रहा था हमें। और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, वो जो पहले दिखाया वो सामने था। खैर ये एरिया बड़ा प्यारा था, और यहाँ इनकी वीडियोग्राफी चल रही थी। और फिर हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे थे कि हम लोग जहाँ बैठ खाना खा लें, हमें बड़ी भूख लग गई थी अब। और ये मामा ने हमारे साथ चावल भेजे हुए थे, तो हम लोगों ने चावल खाए वहाँ बैठ के, और शुक्र है हम चावल और पानी वगैरह लाए हुए थे एक साथ, क्योंकि हमें बड़ी भूख लग गई थी और प्यास भी लग गई थी, थक गए थे बहुत। और यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे क्योंकि थक गए थे, फिर हमने बैठ के बातें शातें की। और वापसी पे हम जब वापस आने लगे थे, मौसम इतना प्यारा हो गया था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही थी, लेकिन ठंडा मौसम हो गया था क्योंकि शाम भी हो गई थी। तो बस अब हम यहाँ से निकलने लगे थे, तो यहाँ पे मैंने फिज़ा के साथ एक प्रैंक किया, मैंने बोला हैंड शेक करती हूँ, और फिर मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अच्छा तो अब हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में हम दोनों को ये एक टेढ़ी बिल्डिंग मिली, और हम लोग इतने क्यूरियस हो रहे थे कि मतलब इन्होंने ये कैसे बनाई होगी। खैर ये थी प्यारी मगर फिर भी टेढ़ी थी, तो अजीब लग रहा था। और अब हम लोग घर जा रहे थे, और ये जो येलो सर्कल जहाँ ब्लिंक हो रही है हमारी गली का नाम है, और यहाँ हमारा घर है, हमने यहाँ जाना था। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।